एक साधु थे जो बहुत दूर से चलते हुए आ रहे थे और जब शहर पहुंचे तो वो एक दुकान पर पहुंचे और वहां उन्होंने उस दुकानदार से पूछना शुरू किया कि तुम्हारी दुकान में ये अलग अलग जो डिब्बे हैं इनमें क्या सब है। दुकानदार ने बताने की शुरुआत की, पहले डिब्बे में नमक है। साधु ने पूछा कि दूसरे में क्या है, तो उसने बताया कि इसमें चीनी है। ऐसा करते वो हर एक डिब्बे के बारे में बताता गया। जब आखिरी डिब्बे का नंबर आया तब साधु ने पूछा तो उस दुकानदार ने कहा कि इसमें इसमें भगवान है। साधु ने पूछा किसी वस्तु किसी चीज का नाम भगवान कैसे हो सकता है। उस दुकानदार ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, अलग अलग डिब्बों में अलग अलग चीजें थी और जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें मेरे भगवान है। साधु की आंखें खुल गई, वो उस दुकानदार के चरणों में गिर गए। वो सोच में पड़े हुए थे कि जो चीज जानने के लिए जिसकी तलाश में मैं दर दर भटकता रहा वो एक व्यापारी ने मुझे सिखा दी कि जिसमें कुछ नहीं है उसी में भगवान का स्थान है। और सही तो है, हमारे दिलो दिमाग में लोभ क्रोध मोह सुख दुख ये सब भरा रहेगा तो भगवान के लिए रिक्त स्थान ही कहां बचेगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरी इसी ओनियन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रखने की कोशिश करती हूँ। जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं एक नई कहानी रखूं तो आप तक पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छु सारू छे विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से